आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। वकील आ गया है? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया है। दरअसल वो प्रॉपर्टी की कुछ डिस्कशन करनी थी, तो इसलिए तुम भी आओ ना, बैठो। नहीं नहीं, हमेशा से आप ही देखती आई हैं, तो आप ही देखें। मियां और बीवी को कुदरत ने इतना करीब रखा है कि उनके बीच में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, ना मियां की तरफ से और ना ही बीवी की तरफ से। जी। ये रिश्ते नाते मोहब्बत है धोखा, ये रिश्ते ये नाते मोहब्बत है धोखा, यहाँ कोई अपना तो होता नहीं है। ये चाहत वफा के हैं किसे पुराने, किसी के लिए कोई रोता नहीं है। जो गुजरी मेरे दिल पे तुझी से कहेंगे, जो जख्म मिले हैं वो खुद ही सहेंगे। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला, दुआ कर रही मम्मी। कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ शायद बोले। मम्मी क्या कहना चाहती हैं आप? बेटा मैं और तुम्हारे अब्बू सोच रहे थे कि कहीं तुमने कोई फैसला जज्बात में आकर तो नहीं किया। नहीं अम्मी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। बेटा मैंने और तुम्हारे बाप ने हमेशा तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर ख्वाहिश का बहुत एहतराम किया है। तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुई थी ना, तो तुम्हारे अब्बू के चेहरे पर मैंने वो खुशी देखी थी से अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने जितना एक बेटी का हक होता है उससे बढ़कर तुमसे प्यार किया। जानती हूँ मैं, ये सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ। बेटा हम परेशान हैं क्योंकि उस लड़के में कोई बुराई नहीं थी, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी, मगर फिर भी तुमने इनकार कर दिया। अम्मी अगर अच्छा वक्त नहीं रहा ना, तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आप इस अब्बू को समझाइए कि वो परेशान ना हो, थोड़ा वक्त दें, नदीम को एहसास हो जाएगा। बेटा मैं तो हरदम तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे रखे, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं। अल्लाह पाक तुम्हें हर मुश्किल और परेशानी से निकाले, तुम फिक्र ना करो। मैं राबिया को देख लेती हूँ। Thank you.
कितने हो गए दिल बेटा? आंटी सब मिलाकर आपकी कमेटी वाले भी मिलाकर फिर भी 4.5 लाख रुपए कम है। बाकी के पैसे कहाँ से होंगे? अदील की ऐसा नहीं हो सकता कि ऑपरेशन कुछ दिन आगे चला जाए? नहीं, बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स ने डेट दी है और डॉक्टर्स के मुताबिक आपकी आंखों की जो कंडीशन है ऑपरेशन टाइम पे होना जरूरी है। क्या करें फिर अदील? आंटी आप फिक्र ना करें, मैं घर जाकर अब्बू से बात करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, हमीद भाई को मुश्किल में मत डालो। मुश्किल की कोई बात नहीं आंटी, एक दूसरे का काम आना ही इंसानियत है। अगर नदीम साहब मुझे जॉब से ना निकालते तो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से ये मामला तो हल हो जाता। चलें अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं भी क्यों नदीम साहब से शिकवा करूं, उन्हें तो अपनी बीवी की परवाह नहीं है, फिर भला मैं क्या चीज हूं। सारा कुछ बोल नहीं रही तुम? ओ क्या ये जरूरी है कि हर एक घंटे बाद इस घर में पंचायत लगे? शुक्र करो कि पंचायत हो रही है ताकि कोई रास्ता निकल आए। वरना असलम को तो चाहिए था कि तुम्हें सिर्फ एक कागज ही भेज देता। शेरी किसी बातें कर रही हो? असलम तुम भी ना, कागज से मुझे याद आया, असलम ने तुम्हें शादी से अब तक जो कुछ भी दिए, ज्वेलरी, शेयर्स, प्रॉपर्टीज, मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए। शेरी शेरी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो सब मैंने सारा को तो गिफ्ट किए। असलम बिल्कुल ठीक कह रहा है। वाह ये बात तुम्हें बिल्कुल ठीक लगी, पैसों की जो है ना? और जब असलम ने तुम्हें कहा कि घर चलो, बच्ची को पालो, गृहस्थी बनाओ, वो बात तुम्हें ठीक नहीं लगी? तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? बीबी जी वो मैं चाय का पूछने आई थी। पूछ लिया है ना, अब जाओ यहाँ से। शीरी मुलाजमों का तो कम से कम ख्याल किया करो। मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए और वो भी आज ही। साहब दफ्तर नहीं गए? आज कोई मीटिंग नहीं है? सबसे अहम मीटिंग तो मम्मा करने गई है, वो आ जाएंगी फिर चला जाऊंगा ऑफिस।
शी इज गुड। बट नॉट फॉर यू। क्या हाल है? सब खैरियत तो है? ये देख, तुआ ने मेरे साथ क्या किया। तू उसकी बड़ी हिमायत करता था ना। क्या कर दिया दुआ भाभी ने? तो भी देख लो, देख लिया। तेरी दुआ भाभी ने मुझे खुला का नोटिस भेजा है। ये दुआ भाभी ऐसा कर तो नहीं सकती, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसा हो नहीं सकता, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो ऐसा कर चुकी है, सबूत तेरे हाथ में, और तू कह रहा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है, मुझे इस नोटिस पे शक हो रहा है। कैसा शक? ये देख, कोर्ट से नोटिस जो आता है ना, उसमें कहीं ना कहीं स्टैम्प लगी होती है, और भेजने वाले वकील की भी स्टैम्प लगी हुई होती है। कहाँ स्टैम्प? यार तू एक बार अपने वकील से मशवरा करके देख कि ये नोटिस सही भी है या कुछ और चक्कर है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? मैंने तो आपको नहीं बुलाया। मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया था, रात को उनसे मेरी बात हुई। नदीम, केल साहब घर आए तो थे, मैं उन्हीं को फोन करता हूँ। हाँ सारा, आप बुला के नोटिस ने नदीम अहमद के मुंह पे करारा थप्पड़ रसीद किया है, लेकिन फिर भी ना इश्क खत्म नहीं हो रहा है इस नवाबजादे का। अब खत्म हो जाएगा जब सामने वाला बेवफा निकले तो कौन उसके इश्क का ढोल पीटता है। वैसे हमें करना क्या है? अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो भी करेगा वो नदीम अहमद करेगा। उसे पता तो नहीं चल जाएगा? जब तक उस नोटिस की डेट आएगी और नदीम अहमद कोर्ट जाएगा और नदीम अहमद को यह पता चलेगा कि दुआ ने तो वो खुला के पेपर्स भिजवाए नहीं, तब तक नदीम अहमद अपनी तजलील के बदले में दुआ को फारिग कर चुका होगा। सही बात है, ये मर्द अपनी अना पर ही तो करते हैं, और खुला के इस जाली नोटिस ने नदीम की अना को ही मार दिया। वकील साहब, आप घर किस सिलसिले में आए थे? जवाब दें वकील साहब, खामोश क्यों हो गए? मैंने आपको बताया था, मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस लिए बुलाया? किस लिए? तो ये खुला का जाली नोटिस आपने भिजवाया मुझे? सॉरी सर, रियली सॉरी, मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था। बकवास बंद करो अपनी। आज से तुम मेरी कंपनी के वकील नहीं हो। यू आर फायर्ड। क्या हुआ नदीम? क्या कहा वकील साहब ने? उसने कहा उसने ये सब बड़ी आपा के कहने पे किया है।
कहाँ जा रहे हो नदीम? कर पूछो उन्होंने ऐसा क्यों किया। जाहिर सी बात है, वो तुम्हारे और दुआ भाभी के दरमियान गलत फहमी पैदा कर रही थी ताकि तुम गुस्से में आके दुआ भाभी को तलाक दे दो। न जाने वो ये सब कुछ कब से कर रही हैं और दुआ भाभी ने क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की होंगी। तुम्हें तो आज सबूत मिला है। अच्छा मेरी बात मानो, अभी ना जाओ, कुछ देर रुक जाओ, बल्कि काम करो, तुम मेरे साथ मीटिंग में चलो। यार मुझे किसी मीटिंग पे नहीं जाना, तू जा। यार चल ना मेरे साथ, वैसे भी तुझे किसी से मिलवाना है। मैं तो मैं यहां सिर्फ लंच के लिए नहीं लाया था, तुम्हें किसी और से भी मिलवाना है। अब्रार नदीम, a pleasant surprise after so long. Yes indeed, please have a seat. तुम तो यूएस सेटल हो गए थे। हाँ एक्चुअली यूएस से दिल भर गया, फिर सोचा पाकिस्तान जाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो आई एम हियर। और मुझे पता था कि तुम दोनों बिजनेस की शदाई अभी तक मिले ही नहीं होगे, तो दे दिया ना सरप्राइज। एग्जैक्टली, वैसे नदीम बहुत अच्छा लगा मिलकर। फॉर्मल क्यों हो रहे हो? दोस्त जब भी मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है। चलो इस बहाने नदीम का मूड तो अच्छा हो गया। क्यों, क्या हुआ नदीम के मूड को? कुछ नहीं, तू बता। मैंने भी शादी कर ली है, नदीम ने भी शादी कर ली है, तू अपनी शादी करेगा भी या नहीं? एक लड़की पसंद आई थी, बताया तो था तुझे। हाँ हाँ, क्या बना उसका? किस्सा खत्म। एक्चुअली कुछ मसाइल थे, उसकी वजह से शादी नहीं हो सकती थी। ये तो तूने अजीब खबर सुनाई, खुदा खुदा करके तो तुझे कोई लड़की पसंद आई थी। मोहब्बत है ही फजूल काम, यहाँ पे नदीम की जिंदगी क्राइसिस से गुजर रही है और तू है कि तू शादी नहीं करता, ये हो क्या रहा है आखिर? It's a part of life. क्राइसिस है भाई, मगर दुआ भाभी एकदम बेहतरीन खातून है। दुआ? नदीम मैं, इफ यू डोंट माइंड, मैं पिक्चर देख सकता हूँ? श्योर। ये तो वही लड़की है। अब मुनिता बाजे के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? मेरी ज्वेलरी मेरे पास होती तो मैं वो बेच देती, लेकिन अपनी ज्वेलरी भी मैंने नदीम के घर छोड़ आई हूँ। तो लानी चाहिए थी ना। नदीम मेरे नजदीक उन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। जब रिश्ते बेकीमत हो जाते हैं तो बाकी क्या कीमती बच जाता है। खैर तुम फिक्र ना करो, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। कुछ करना तो पड़ेगा आप ही, मुनज़्ज़ाबाजी की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। यार नदीम तूने अच्छा नहीं किया। दुआ सेल्फलेस बंदी है। यही तो मैं समझाता हूँ कि नदीम की बहनें हमेशा गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, कभी कोई इल्ज़ाम और कभी कुछ, यहाँ तक कि लालची और खराब कैरेक्टर होने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। हो ही नहीं सकता। पर आज तो जानता है ना, मेरा बिजनेस नदीम के बिजनेस से डबल है, लेकिन दुआ ने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया। और रही बात उसके किरदार की, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुआ के किरदार पर बात करना दुआ की तौहीन है।
तुम ठीक कह रहे हो अब्राहम, लेकिन हर बार ऐसे सबूत सामने आते हैं कि मैं लाजवाब हो जाता हूं। जरूरी नहीं जो दिखाया जा रहा हो वही सच हो। एक बात बताऊं नदीम, मैंने दुआ से जब भी अपने बारे में बात की उसने हमेशा अपने शौहर की बात की। पता नहीं दिल में तुझे क्या बनाए हुआ है, दुआ के दिल में तुम्हारे अलावा कोई इंसान बसता ही नहीं। पता नहीं तुम्हें क्या कुछ समझते, उसकी कदर कर। And I'm really very sorry यार, अगर मुझे पता होता कि दुआ तुम्हारी बीवी तो मैं उसकी तरफ कभी आंख उठाकर भी ना देखता। चलो जो भी हुआ अनजाने में हुआ, ये अच्छा हुआ कि सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें मेरी मोहब्बत का जरा भी एहसास नहीं? कितनी संग दिल हो तुम। Yes. Okay, भेजो। क्या करूं मैं? नदीम साहब आप एक दफा मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बेशक मुझे यहां से धक्के धक्के निकाल सकते हैं। अब भी बताने को कुछ बचा है? हकीकत बोलो, क्या कहना चाहते हो? नदीम साहब, जो भी मैंने आपको दुआ और अपने बारे में बताया था वो सब कुछ गलत था। मैं सिर्फ दुआ के बारे में इतना जानता हूँ कि वो आपकी बीवी है। वो महज दुआ से आपको वजन करने के लिए झूठे सबूत पैदा किए थे और इसमें मैं अकेला नहीं था। तो वो तस्वीरें और सबूत जो तुमने दिखाए थे वो क्या था? तुम्हारे साथ और कौन है? मैरी। मैरी के कहने पे ये सब कुछ मैंने किया था। मैं और मैरी ने एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं और उसने ये शर्त रखी थी कि पहले मैं उसको ये काम करूं फिर वो मेरे साथ शादी करेगी। इसका मतलब दुआ जो तुम्हारे बारे में उस वक्त कह रही थी वो सब सच था। मुझे वो सब बताओ जो तुम जानते हो। मैं आपको सब सच सच बताने के लिए तैयार हूं। ये आपके लिए। ब्राज से मुझे क्या जॉब से निकालेंगे? मैं ये खुद ही जॉब छोड़ने वाली थी। ये चेक किस लिए? ये आपकी 6 महीने की सैलरी है। ब्राज साहब एक बहुत आम इंसान है,
खुद की मर्जी से कुछ हो नहीं सका तो मुझे जॉब से निकाल दिया। आम आदमी हूं मैं। नदीम की तरह स्पेशल नहीं हुआ ना ये खुशकिस्मत। आप नदीम को कैसे जानते हैं? दोस्त है वो मेरा, लेकिन मैं आपके और नदीम के बारे में नहीं जानता था। एक और बात, मैंने आपको कंपनी से नहीं निकाला बल्कि पूरी की पूरी कंपनी वाइंड अप कर रहा हूं। क्यों? यूएस वापस जा रहा हूं, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आपका और नदीम का सामना कर सकूं। ब्राज साहब, आप आम इंसान नहीं, आप बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं, जिसे रिश्तों की कदर आती है, इज्जत करना जानते हैं। शुक्रिया, खुश रहिए। हाँ भाई सारा, असलम के साथ जाने का फैसला किया तुमने या फिर मैं कोई फैसला कर लूं? मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। अपनी जुबान बंद करो और ये दिमाग है ना, ये भी चलाना बंद करो। तुम हमारे साथ चल रही हो या नहीं ये बताओ। श्री, सारा को सोचने का वक्त तो दो। तुम बीच में मत पड़ो, तुम नहीं जानते इस औरत के साथ क्या सुलूक करना। शीरीन, ये बदतमीजी है। बकवास बंद करो, चलाक औरत। आप लोगों को अगर ये लगता है कि असलम मुझे छोड़ देगा तो मैं खौफजदा हो जाऊंगी तो ये आपकी भूल है। असलम मुझे कल के बजाय आज डिवोर्स करे, आई डोंट केयर। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। असलम, ये आसिफ खुद तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है। वेरी गुड, अब हम इससे प्रॉपर्टीज वापस लेंगे और इसे तलाकनामा भेजेंगे। मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। हाँ हाँ, जाएं, शौक से जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं नदीम अहमद की जायदाद पर बैठी हुई हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। देखते हैं कब तक। नदीम, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, एक झूठ है। सब झूठ है, ये तस्वीरें, इसकी गवाही और तुम्हारा इससे मिलना सब झूठ है दुआ, और तुम सच्ची हो। शादी को एक तरफा निभाना पड़े, जहां आए दिन रिश्ते का तमाशा बन जाए, जहां बात बात पर वजाहत देनी पड़े, फिर भी उस रिश्ते की कोई हैसियत ना हो, तो बेहतर यही है कि वो रिश्ता खत्म हो जाए। मैं रोज इस रिश्ते की बुनियादें बनाती हूँ और आप रोज उन बुनियादों को गिरा देते रहते हैं। मैं थक गई हूं, मैं मजीद ये सब कुछ नहीं कर सकती। वही हुआ जिसका डर था। दुआ ने खुला का नोटिस भिजवाया है। नदीम साहब,
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहती रही मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। वो बार हां मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही और मैंने क्या किया? मैं तो ये भी नहीं जानता कि दुआ के साथ उन लोगों ने और क्या कुछ किया होगा जो मैं जानता ही नहीं। आखिर क्यों मैंने दुआ की बातों पर यकीन नहीं किया? ये मैंने क्या कर दिया? अब कैसे मैं दुआ का सामना करूंगा? कैसे दुआ से माफी मांगूंगा? साहब जी, चाय। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा आपको चाय दे दूं। शाहीन। जी साहब जी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछे। इस घर में जो कुछ भी होता है तुम उसे जानते हो। इस घर में जो ज्वेलरी चोरी हुई थी वो दुआ के बैग से कैसे निकली? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सारा आपा, नदीम आया और अपने कमरे में चला गया। कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अरे भाई, एक्शन भी होगा, तुम इतनी जल्दी में क्यों? अरे बाबा ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि वो हम दोनों से मिला ही नहीं है। शाहीन से कहा सर में दर्द है और वो चाय लेकर उसके लिए चली गई। दरअसल नदीम अहमद के सर में दर्द नहीं है, उसके दिल में दर्द है और ये दर्द चाय पीने से ठीक नहीं होगा। और ये दर्द तो उसी वक्त जाएगा जब हम उसे सुकून से रहने देंगे। और तुम्हें तो पता है कि हम कहां उसे सुकून लेने देंगे। सिंपल, जब वो दुआ की छुट्टी कर देगा। तुम बोलोगी या नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। साहब मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे सब बताओ। साहब, चोरी में दुआ बीबी का कोई हाथ नहीं था। वो सब कुछ बड़ी आपा का प्लान था। साहब ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने तो क्या कुछ भी नहीं। बोलो शाहीन, क्या कुछ भी नहीं? क्या बोलूं साहब, सुन पाएंगे आप? सामना कर पाएंगे सच्चाई का? आज मैं सब सच सुनने के लिए तैयार हूं। साहब आपका जो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले मर गया था, वो मरा नहीं था। मारा गया था।
अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? जी साहब, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। किसने मारा मेरे बच्चे को? बोलो, किसने मारा मेरे बच्चे को? आपके बच्चे को काले जादू की मदद से मारा गया, और इस हरकत के पीछे बड़ी आपा और छोटी आपा का हाथ था। ये बातें तुम मुझे अब बता रही हो? साहब, मैं नौकर, गरीब औरत, आप तो जानते हैं मेरा शौहर बीमार है। बड़ी आपा ने मेरे शौहर के इलाज के लिए पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया था, और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मुझे और मेरे शौहर को पैसे चोरी करने के इंजाम में जेल में डलवा देंगी। मैं डर गई थी साहब। साहब, दुआ बीबी के भाई अदिल साहब के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ छोटी आपा का प्लान था। बस चाहे, बस, और सुन नहीं सकता। साहब, जो आप सुन नहीं पा रहे, किसी ने वो सब आपके लिए बर्दाश्त किया है। साहब, साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज दुआ बीबी को वापस ले आएं।